सभी को नमस्कार। सोनू जी आपको भी नमस्कार। अब हम योग का सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। शिक्षकों के लिए चयनित कुछ चयनित योगाभ्यास, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम असतो मा षद्गमय तमशो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शहनाववतु शहनौ भुनक्तु शहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योग विषय पर, विशेष रूप से शिक्षकों के लिए कुछ चयनित योगाभ्यास क्रम। योगाभ्यास के संदर्भ में हम आप सबको अवगत करा दें, योगाभ्यास में जो आवश्यकता है, कुछ आवश्यक विषय वस्तुओं की, उन विषय वस्तुओं को समझते हुए हम योगाभ्यास क्रम को समझेंगे, योगाभ्यास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम संकेत कर दें आप लोगों को, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे लेकिन काफ़ी संक्षिप्त में, फिर कुछ आसनों को दिखाते हुए, उसको कुछ अभ्यासों को दिखाते हुए, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध आदि, उसको कैसे आप लोगों को अपने जीवन में उतारना है, कैसे उसका लाभ लेना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको ये बताएं कि योग क्या है, योग का परिचय। योग जो है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, योग शब्द संस्कृत के युज, युज धातु से बना है, युज समाधव युजर योग युज संयमने, ये तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं योग समाधि, योग शब्द का अर्थ है समाधि। हम यहाँ पर पतंजलि के अनुसार लेते हैं तो योग समाधि, नहीं तो दूसरा अर्थ यदि हम लें तो उसका अर्थ होगा संयोगो योग इत्युक्त जीवात्म परमात्मनो। योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार संयोग को योग कहा गया, जीवात्मा परमात्मा का जो संयोग है, जो मिलन है, उसको योग कहते हैं। और संयम भी योग है, अपनी इंद्रियों को सबको नियंत्रित रखना, व्यवस्थित रखना। तो इस प्रकार से हम समाधि से तात्पर्य लेंगे। पतंजलि का जो मुख्य योग है, पातंजलि योग सूत्र, उसमें अष्टांग योग आता है,
उसका थोड़ा संक्षेप में परिचय देंगे और फिर योगाभ्यास हम हठ योग वाली परंपरा में आप लोगों को ले चलेंगे और कुछ अभ्यास भी बीच में कराएंगे। हमारे पास जितना भी समय है उस समय में हम बहुत सारी चीज़ों को आपके समक्ष गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे, संक्षेप में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अब हमें ध्यान रखना है समाधि शब्द का अर्थ क्या है। समाधि कहते हैं सम्यक आधीयते चित्तम, सम्यक आधीयते चित्तम। समाधि उसे कहते हैं जिसमें चित्त को समाहित किया जाता है, चित्त को लगाया जाता है, अंतर्मुखी बनाया जाए, वो समाधि है। चित्त का सम्यक प्रकार से शोधन करना समाधि है, यह भी हम कह सकते हैं। वशिष्ठ संहिता में समाधि शब्द का वर्णन किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में बताते हैं। समाधि शून्यतावस्था, हठयोग प्रदीप क्या कहती है, राजयोग समाधि। समाधि शून्यता प्रोक्ता सर्वारंभ विवर्जिता, यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ये जो है वशिष्ठ संहिताकार कहते हैं समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मा। नो, समाधि समतावस्था है जीवात्मा और परमात्मा की, अर्थात जीव भाव और शिव भाव की ऐक्यता, परमात्म भाव की ऐक्यता, ये जो है ये समाधि कहलाती है। सभी संकल्पों का त्याग कर शून्यावस्था को समाधि कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा की एक रूपता भी समाधि कहलाती है। जिस अवस्था में बुद्धि इंद्रियों से हटकर आत्मोन्मुखी हो जाए, विषयों की ओर प्रवृत्त न हो, जैसे यदा पंचावत तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टति ताम आहु परमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। जो बताया कि जब इंद्रियां हमारी सब नियंत्रण में आ जाती हैं, बुद्धि का भी कार्य व्यापार बंद हो जाता है और पूर्ण रूप से वो अंतर्मुखी हो जाता है, जैसे कछुआ जो है विघ्न उपस्थित होने पर सब अंगों को सिकुड़ देता है, इसी प्रकार से हमारी सब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो वह जो है धीरे धीरे क्या बन जाता है, समाधि की अवस्था हो जाती है, अर्थात योग युक्त हो जाता है। अब भगवद गीता में भी जो योग की परिभाषा बताई गई हैं, प्रमुख तीन जो है योग की परिभाषाएं हैं। एक है सिद्धि सिद्धियों समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यदि हम इसको कहें योगस्था गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियों समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ये दूसरे अध्याय के 48 और 50 नंबर में ये दो परिभाषाएं बताई गई हैं। और एक छठे अध्याय में यस्मिन् स्थितोन दुःखेन गुरुणा भी विचाल्यते तम विद्या दुःख संयोगम वियोगम योग संगीतम। इनका अर्थ भी हम बताएंगे। छठे अध्याय के 23 नंबर में ये परिभाषा बताई गई है। पहले बताया गया कि यस्मिन् स्थितोन, पहले बताया गया कि बुद्धियुक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। जब हम बुद्धियुक्त होते हैं तो सुकृत और दुष्कृत को छोड़ देते हैं। तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम है। और फिर उसके उसी क्रम में यह भी बताया गया कि आप जो है सम भाव से कर्मों को करें, समत्व योग तभी होगा। इसलिए जो है इस तरह से हमें तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, और योग आत्मा की विशुद्धि के लिए है और युज्यतो योग आत्मना, इस तरह से भगवद्गीता में आता है। दुख का जो संयोग है उसका जब वियोग हो जाता है उसको भी योग कहते हैं। दुख का संयोग में ना संसार में जो हम सुख की प्रतीति अनुभव करते हैं, विषयों में जो सुख की प्रतीति होती है, इस संयोग विषय के संयोग रूपी दुख का जो संयोग था इसका जब वियोग हो जाता है तो सुख स्वरूप परमात्मा हमारा प्रकट हो जाता है। अर्थात जो एक जगह ऐसा आया है सांख्य में कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन निर्विषयी हो जाए तो उसको जो है हम योग कहते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार मन को शांत करने के उपाय को योग कहते हैं। मनः प्रसमनोपाय योग इत्यपि दीयते। तो इस तरह से तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम चित्तवृत्ति निरोधा के बाद स्थिति आती है। पतंजलि ने जैसा कहा दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये जानना है कि चित्त रूपी नदी दो धाराओं में बहती है। एक धारा कल्याण के लिए बहती है और दूसरी धारा संसारोन्मुखी होती है जो पाप के लिए बहती है। इनमें से कैवल्योन्मुखी विवेक मार्ग विवेक विषय के ओर चलने वाली कल्याण के लिए होती है और दूसरी संसार की ओर अभिमुख वो अविवेकी वो किधर जाती है, वो धारा
अज्ञान की ओर जाती है उसको क्षय करना है और ज्ञान वाली धारा को हमें जागृत करना है, और यह जागृत होगा हमारा योग के द्वारा। और इसमें भी पतंजलि ने योग सूत्र में बताया कि एक उत्तम कोटि का अधिकारी होता है, दूसरा मध्यम कोटि का और तीसरा सामान्य स्तर का, जिसको हम कहते हैं कि उत्तम कोटि का अधिकारी है तो वो अभ्यास वैराग्य से सीधे समाधि की ओर जाएगा, और जो दूसरा थोड़ा सा मध्यम स्तर का है वो अभ्यास वैराग्य में नहीं प्रवृत्त हो सकता तो क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इसको अपनाएगा, और तीसरा जो मंद अधिकारी है जो अभी बहुत प्रवृत्त नहीं हो पाता है ठीक प्रकार से योग मार्ग में, वो क्या करेगा, वो अष्टांग योग को अपनाएगा। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों को अपना करके वो योग मार्ग में प्रवृत्त होगा अर्थात उस समाधि को प्राप्त करेगा। टाइम का भी हमको कर देना। इस प्रकार से अब हमें अष्टांग योग के परिचय से पहले थोड़ा सा हम आपको, चूँकि योगाभ्यास वाले क्रम में आएंगे तो उससे पहले हम कुछ संकेत रूप में आपको हठयोग का भी परिचय दे दें, क्योंकि योग जो है मंत्रो हठो लयो राज योगांतर भूमिका क्रमात 4 प्रकार के जो मुख्य योग बताए गए, मंत्र योग लय योग हठ योग और राजयोग, ये चारों अंतर भूमिका क्रम से चलते हैं, अर्थात मंत्र मन मनन और लय योग मन प्राणों को लीन करना, उसके बाद हठ योग, हठ योग का मतलब ही हकार ठकार को सम करना, ये हवा मन सूर्य ठ मन चंद्र इन दोनों का समभाव लाना और सुषुम्ना मार्ग से प्राण को ले जाना, और जाएगा कहाँ, ये सब क्रिया करने के बाद सुषुम्ना मार्ग से प्राण सहस्रार में समाहित हो जाता है, उसी का नाम है समाधि, इसीलिए कहते हैं राजयोग समाधि। राजते सर्वयोगानाम राजयोग इति स्मृता, सब योग से ऊपर जो विराजता है उसको कहते हैं राजयोग। सबसे नीचे हम यदि 4 भाग कर दें तो मंत्र योग मूलाधार वाले क्रम में, मूलाधार कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने के लिए मंत्र योग का प्रयोग प्रारंभ में, बीच में जो है लय योग का क्रम हठ योग के साथ होता है, मंत्र योग से लय योग मन नाभि से हठ योग का क्रम पूर्ण हो जाता है नाभि तक, मंत्र योग लय योग और राज हठ योग ये आपका यहाँ तक आता है, हठ योग का क्रम जो है हमारा भ्रुकुटी के मध्य तक आता है, भ्रुमध्य से ऊपर ये पूर्ण रूप से राजयोग होता है, इसलिए हम यदि कहें मंत्र योग और लय योग तो नाभि तक लय योग और इस नाभि से ऊपर हृदय में कंठ में और विशुद्धि तक हठयोग, क्योंकि क्रम से जैसे मंत्र योग एक चक्र को जागृत कर रहा है तो लय योग 2 चक्रों को जागृत करेगा, स्वाधिष्ठान और मणिपुर को, मंत्र योग से मूलाधार को हम शुद्ध कर लेते हैं और लय योग से, मंत्र योग भी उसमें समाहित है लय योग में, और लय योग से क्या होता है कि हमारा मूलाधार स्वाधिष्ठान और मणिपुर तीनों संतुलित हो जाता है, फिर जब हठयोग में आते हैं तो मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि और आज्ञा चक्र ये 6 चक्रों में शोधन होने लगता है, तो ये तीनों जो योग हैं ये अंत में जाकर के राजयोग, राजयोग मैंने ज्ञान योग जिसको हम कहते हैं समाधि योग, सांख्य योग भी कह सकते हैं राजयोग को, उसमें जाकर के ये समाहित हो जाता है, अर्थात इसमें जो है जो सहस्रार हैं उसमें जाकर के सब योगों की परिणति होती है, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आया कि सर्वे हठ लय उपाय राजयोग से सिद्ध है, हठ और लय के जितने भी उपाय हैं ये सब राजयोग को सिद्ध करने के लिए हैं। तो हठ मन इड़ा पिंगला, इड़ा ये पारिभाषिक शब्द है, इड़ा मन वाम नासारंध्र, पिंगला मन दाहिनी नासारंध्र, ये जो वायु आती जाती है नॉस्ट्रिल, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है हमारी वायु कभी हम बाएँ से खींचते हैं तो इसको कहते हैं इड़ा, दाएँ से छोड़ते हैं तो इसको कहते हैं पिंगला, प्राण से प्राण को खींचा हमने बाएँ से तो प्राणम चेद इड़ेया पिभेद कहते हैं, और छोड़ा यदि पिंगला से तो इसको हम राइट नॉस्ट्रिल कहते हैं, इसी तरह से जब राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा तो इड़ा पिंगला के क्रम से ये ह और ये ठ, ये जो है हमारा सूर्य है ये चंद्र है, ये गर्म है ये ठंडा है, दोनों को सम कर देते हैं, जहाँ भगवद्गीता जहाँ पर कहती है समत्वम योग उच्यते, समत्व मन शरीर में संतुलन स्थापित करो, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, इसीलिए शीत उष्ण सुख दुख ये सब को सम कर लेना, हानि लाभ जीवन हैं मरण यश अपजस ये सब को सम कर लेना, और ये सम कब होगा, जब हमारे इड़ा पिंगला दोनों नासारंध्रों से वायु की गति सम होगी, अर्थात सुषुम्ना मार्ग जो बीच में है मेरुदंड के पृष्ठ भाग में, मेरुदंड हमारा पृष्ठ भाग में 3 भागों को उन्नत करके हठयोग के द्वारा हम सारी शक्ति को ऊपर की ओर उठाते हैं, और इड़ा पिंगला का प्राण सुषुम्ना मार्ग से
कहाँ जाता है? सहस्रार में, पहले भ्रूमध्य में आएगा, भ्रूमध्य से सहस्रार में जाता है। तो इस तरह से हम विधि पूर्वक हम इसको अपनाते हैं। इसके लिए हमें चार क्रम अपनाने होते हैं। थोड़ा सा हम अष्टांग योग का भी परिचय देंगे। ये चूँकि आप लोगों के लिए बहुत ही सरल तरीके से हो, इसके लिए हम संकेत रूप में सब बातें कहते जा रहे हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नादानुसंधान, ये चार क्रम, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नादानुसंधान। नादानुसंधान मैंने ये समाधि का क्रम, ये थोड़ा उच्च क्रम है, इसको हम अभी नहीं लेते हैं। ये मुद्राबंध मैंने ये मध्यम क्रम, और ये जो है आपका जी हम BHU से, और ये नाद, ये प्राणायाम मैंने ये थोड़ा विशिष्ट क्रम, ये प्राण शक्ति को ठीक करने का, और आसन मैंने ये शरीर का क्रम। तो हम जानते हैं हमारे शरीर में 5 कोष हैं, और इन 5 कोषों को ठीक करने के लिए, देखिए पहला कोष आसनों से ठीक हो जाता है, अन्नमय कोष के लिए हम आसनों का अभ्यास करते हैं, और आसनों के अभ्यास के साथ साथ भोजन का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सभी को। हमारा सात्विक आहार हो, सरल आहार हो, किसी भी प्रकार से विघ्न उपस्थित करने वाला आहार न हो, इसको हम ध्यान में रखें। और सभी अपनी रुचि के अनुकूल आहार ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो बता दिया कि आप भोजन उतना ही करें जितने में आपको योगाभ्यास करने में विघ्न उपस्थित न हो। जो भी भोजन आप करें वो सात्विक हो, फिर उसके बाद दिनचर्या हमारी ठीक हो। इतना बहुत ध्यान जरूरी से ध्यान रखना है। भगवान ने भी भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए ये बात कही कि नात्यस्न तस्तु योगोस्ति नचैकांत मनस्नत नचाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनो। यह जो हठ योग है, राजयोग है, मंत्र योग है, लय योग है, जो भी अभ्यास करने जा रहे हैं उससे पहले इतना जान लो, जो बहुत खाने वाला, जो बिल्कुल न खाने वाला, जो बहुत सोने वाला, जो बिल्कुल नहीं, जो बहुत जागता है, जो बहुत सोता है, और जो बहुत खाता है, जो बिल्कुल नहीं खाता, ऐसे लोगों को यह योग सिद्ध नहीं होता है। यह योग सिद्ध किसको होता है? तो कहा जो युक्त आहार करता है जितनी आवश्यकता है। और देखिए युक्त आहार किसको कहते हैं, देखिए भगवान ने सब जगह आहार की चर्चा की है। 17वें अध्याय में भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो है बहुत ही शानदार भोजन की 3 उन्होंने पद्धति बता दी कि आप जो है सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, राजस आहार ग्रहण करते हैं, या तामस आहार ग्रहण करते हैं, और आप सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले हैं, या तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। 17वें अध्याय में उन्होंने कहा श्रद्धात्रय विभाग योग जो नाम है उसमें क्या बताया, आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। 3 प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, एक सात्विक प्रवृत्ति वाले, दूसरे राजसी, और तीसरे तामसी। सात्विक प्रवृत्ति वाले सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। जिसको सात्विक वस्तुओं में श्रद्धा होगी, जैसे मैं बताया कि युक्त आहार कैसा होगा, जो सात्विक आहार को ग्रहण करेगा। सात्विक आहार माने सात्विक आहार का मतलब है कि जो थोड़ा सा उठ नहीं रहा श्लोक, जो सुस्निग्ध हो, मधुर हो, हैं, एक हिस्सा जल के लिए, एक हिस्सा वायु के लिए छोड़ दिया जाए, अर्थात आधा रिक्त उधर रिक्त छोड़ दिया जाए, वैसा आहार, और मिताहार भी होगा। और कैसा आहार लेना चाहिए, हमारी प्रकृति के अनुकूल आहार हो, प्रतिकूल ना हो, बाधा उत्पन्न करने वाला ना हो। हम प्राणायाम करने बैठे नींद आने लगे, प्राणायाम करने में हमें कष्ट होने लगे, कफ, भारीपन, शरीर में बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न करें, ऐसा आहार न लें। इस पर थोड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए इधर हम नहीं जा रहे हैं। आप लोग 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग में आहार के संदर्भ में कुछ बातों को देख लीजिएगा, वो बहुत बड़ा नहीं है। उसमें उन्होंने सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोगों को 3 तरह के आहार अनुकूल माने पसंद होते हैं। यातयामम गतरसम पूति परियुषितं चेत उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। 3 घंटे पूर्व से बना हुआ भोजन परियुषित हो गया, दुर्गंधी आ रही है, जिस आहार में कोई स्वाद न रह गया, निरस, बासी, जूठा, इस तरह का आहार तामसी को प्रिय होता है। कटुअम्ल लवणोत्तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजस्य श्रेष्ठा, जो कड़वा हो, खट्टा हो, अम्ल है, और जो राजसी आहार हो, बहुत सारे रोग व्याधियों को उत्पन्न करने वाला हो, बहुत नमक वगैरह से युक्त हो, ऐसा आहार राजसी व्यक्ति को प्रिय होता है। और सुस्निग्ध आहार हो, जो बढ़िया मैंने दुग्ध घी आदि से युक्त हो और सात्विक पदार्थों से युक्त हो, ऐसा आहार किसको प्रिय होता है, जो सात्विक व्यक्ति होता है। तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सबको आहार प्रिय होता है, इस तरह से हमें जानना चाहिए। आहार सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः।
अब देखिए, आहार को जब हम ठीक कर लिए, दिनचर्या को ठीक कर लिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए सभी को, ये नियम है। ये हमारा माने हमारे कथन से नहीं, ये प्रकृति माता कहती है और जगत पिता हमारे परमात्मा हैं, उनकी ही अध्यक्षता में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं मैं तो बैठा रहता हूँ, ध्यान लगाए रहता हूँ। जैसे भगवान शिव को आपने देखा होगा, कैलाश शिखर में बैठे रहते हैं, बहुत शानदार तरीके से वो ध्यान लगाए रहते हैं और प्रकृति माता जो है उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो क्या कार्य करती है प्रकृति माता? देखिए, प्रकृति माता का नियम है, सुबह यदि 5:15 बजे सूर्योदय होना है तो 5:15 बजे ही होगा। और हमारा आपका नियम कैसा है कि 5:15 की जगह 5:30, 6:45, 6:07, ऐसे हम टालते जाते, थोड़ा और सो लें, थोड़ा आराम। नहीं, हमें उस समय जाग जाना चाहिए। अमृत वेला में सभी को जगना चाहिए। 4 से 5 की अमृत वेला होती है। यदि 4 बजे नहीं जग सकते तो 5 बजे तक अवश्य जग जाइए, कुछ अंश तक उसका लाभ आपको अवश्य मिल जाएगा। बहुत सुखद वायु रहती है उस समय, आप छत पर चले जाएं, इतना शुद्ध वातावरण आपको कभी नहीं मिलेगा सुबह के समय जितना बढ़िया मिलेगा। और इस समय लॉकडाउन में तो और भी सुंदर वातावरण, प्राकृतिक वातावरण बना हुआ है, प्रकृति पूर्ण रूप से शुद्ध है। सुबह सुबह आप जाएं और उदित नारायण जो भगवान लालिमा लिए हुए हैं, ऑरेंज कलर के निकलते हैं, उनका दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और बोलें आदित्य से नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्विद्यावलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। आयु विद्या बल उनका और उत्साह जो है निरंतर बढ़ता रहता है, जो आदित्य नारायण को प्रणाम करते हैं, भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। उसी में यदि स्नान हो गया हो तो आप सूर्य नमस्कार करें उनकी ओर दृष्टि रख करके, आयोडीन विटामिन डी की कमी नहीं होगी शरीर में, और शरीर में बहुत ऊर्जा स्फूर्ति और बहुत ज़्यादा जो है शरीर में आरोग्य सुबह के समय 5 से 6 के बीच में या 7 बजे तक करने से मिलता है। जो जल्दी नहीं कर सकते उनको 7 बजे के पहले योगाभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए। उस समय उठना, 5 बजे तक सबको जग जाना चाहिए, 5:30 तक बिल्कुल आप शुरू हो जाइए योगाभ्यास में। 4 बजे सब नहीं जग सकते, कोई बात नहीं, तो इस तरह से आप सुबह जल्दी उठें और उठने के बाद क्या करें, थोड़ा सा जल पिएं, रात्रि में ताम्र पात्र में रख दें या किसी भी पात्र में ढक करके रख दें। ठंडा जल नहीं पीना है, नॉर्मल एक पात्र में रखा हुआ जल, जैसे वो उष्ण हो जाता है टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए 29 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, जितना डिग्री है उतना डिग्री में वो गर्म रहेगा। अब वो जल आपके उदर में जब जाएगा, गुनगुना हम नहीं कहेंगे क्योंकि सबको अच्छा नहीं लगेगा सुबह सुबह, वैसे गुनगुना जल 12 महीने पी सकते हैं, कोरोना के लिए भी बहुत अच्छा है, कोरोना वायरस भी नहीं आता है। तो इस तरह से गुनगुना जल और कितना पिए, आप प्रारंभ में 1 गिलास से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। सुबह का जल इतना पिए कि आपको उल्टी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टी होगी तो जितना कफ होगा, जितनी गंदगी होगी, पित्त होगा, विकृतियाँ होंगी, वो सब बाहर आ जाएंगी, गले में खराश वगैरह या कफ वगैरह फंसा होगा तो वो सब आपका उससे दूर हो जाता है, अद्भुत लाभ मिलता है। आप धीरे धीरे आदत बनाएं सुबह जल पीने की और कुल्ला किए बिना जल पिए, रात्रि में बढ़िया से मंजन वगैरह कर लें, ब्रश कर लें, खूब बढ़िया से कुल्ला करके सोएं ताकि मुख में कोई गंदगी न रहे, और सुबह सुबह आप उस जल को बिना कुल्ला किए पी जावें, लघुशंका आदि कर लें लेकिन कुल्ला न करें अगर आवश्यकता हो तो, नहीं तो जल पीने के बाद ही लघुशंका जावें, फिर मुख हाथ आदि बढ़िया से धोवें जल पीने के पश्चात, और फिर जो है आप आदित्य नारायण को प्रणाम करें। यदि विलंब हो गया, नहीं विलंब हुआ तो थोड़ा सा टहलें, शौचादि की प्रवृत्ति हो जाए तुरंत आप जाइए, शौचादि से निवृत्त हो करके हल्का सा जो है आप बढ़िया समय, सुबह का समय सबसे अच्छा है और नहीं समय है तो फिर सायंकाल भी उसके लिए आप चुन सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बढ़िया एक कंबल का आसन या कोई भी एक ऐसा आसन जो आपके पास उपलब्ध हो उसको बिछा लीजिए, जो सरकता ना हो, सरलता से वो बिछ जावे, उसके ऊपर एक कॉटन का बढ़िया खद्दर का, कॉटन का जो भी वस्त्र हो, सफ़ेद रंग का हो तो और अच्छा, चादर, क्योंकि रंग बिरंगे कपड़े जो होते हैं ना वो थोड़ा सा आकर्षण कर देते हैं आपको संसार की ओर, और जो कलरफुल नहीं होते हैं, जो वाइट कलर के होते हैं वो थोड़ा सा शांति के प्रतीक होते हैं, वो तो ऐसा वस्त्र धारण कर सकते हो तो अति उत्तम, और नीचे बिछा भी लीजिए और शुद्ध शांत वातावरण में आप जो है बढ़िया से योगाभ्यास में प्रारंभ कीजिए सूर्य नमस्कार से। फिर हम अभी आपको अभ्यास बताएंगे तो उसमें आपको कुछ बातें बताते जाएंगे, और अभी हमारे पास समय है चर्चा करने के लिए और आपको योगाभ्यास बताने के लिए, हम आधे घंटे में बहुत सारे अभ्यास बता देंगे, थोड़ी सी चर्चा हम पहले कर ले रहे हैं। अब देखिए, अब हमने मान लीजिए योगाभ्यास कर लिया,
योगाभ्यास कितना करना है हमको, हमारी क्षमता से ज़्यादा नहीं करना। हमारी क्षमता यदि 15 मिनट की है तो शुरू में हम 15 मिनट करें और उसमें एक ही चीज़ ना करें। सूर्य नमस्कार के हमने 3 राउंड किए, मान लीजिए 5 राउंड किए, 10 राउंड किए, 12 राउंड, द्वादश आदित्य हैं तो आप 12 राउंड तक कर लीजिए। लेकिन नियम बना लीजिए, एक दिन उत्साह हुआ 12 राउंड कर लिया, दूसरे दिन हमने 1 राउंड भी नहीं किया या छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मुझे नियम से इतने ही राउंड करने, और प्रारंभ में हम 1-2 राउंड से ही शुरू करें, किसी भी तरह का कष्ट न हो, बहुत ज़्यादा कष्ट शरीर को दे करके ना करें, और धीरे धीरे बढ़ा करके फिर राउंड को फिक्स कर लें। जैसे हम भोजन के लिए तत्पर हो जाते हैं, समय हो गया भोजन करना शुरू कर देंगे, मेरा 12 बज गया, 12 बजे भोजन करता हूँ तो 12 बजे भोजन करेंगे, 1, 1.5, 2 जो भी जिसका समय फिक्स है, रात्रि का भोजन का समय होता है 8, 9, 10, 11, जो जैसे टाइम में फिक्स कर दें। ऐसे तो नियम है कि आप समय से भोजन 7 बजे से पहले कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो 9 बजे के पहले कर लीजिए, ये भी ठीक है समय। भोजन के 2 घंटे बाद ही सहन करें, भोजन के बाद 100 पग चलें या थोड़ा टहलें। टहलने से क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहता है। और भोजन करने के लिए कोशिश करिए आप पालथी मारकर ज़मीन में बैठें, हाथ पैर मुख बढ़िया से धो लें और थाली सामने रखें, और उस थाली में नज़र अपनी दृष्टि जमाइए और ऐसी भावना कीजिए कि ये भगवान जो है वैश्वानर रूपी जो भगवान हमारे भीतर बैठे हुए हैं नाभि में, वो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए हैं और अब मैं हवन करने जा रहा हूँ, अपाने जुहवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। तो ये नियत आहार जब हम लेते हैं तो वो भी स्वाहा, तो आप पहले जो है कुछ मधुर यदि हो, जैसे 4-5 ग्रास आप मीठा गुड़ वाला थोड़ा सा घी मिला हुआ, जैसे हम लोग अग्नि में आहुति देते हैं, इसी तरह से कुछ अगर ऐसी आहुति हो तो आप उसको ले लीजिए, नहीं तो आप गुड़ वाला, हम चीनी नहीं कहेंगे, और नहीं तो फिर आप हाँ कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए जो उपाय हैं वे लोग गुड़ का सेवन करें, चीनी बिल्कुल बंद कर दें, और दिन में सोना ना करें, दिन में सोने से कफ प्रकृति उनकी भी बढ़ती है, विकृत होती है, और गुनगुना जल पिए, कफ प्रकृति अनुकूल होगी। और त्रिकटू का प्रयोग सभी लोग करें, सभी पर संतुलन आएगा। देखिए त्रिकटू क्या है, सौंठ, पीपल और काली मिर्च, ये तीनों को बराबर मात्रा में आप पीस करके रख लीजिए। सौंठ, पीपल, पीपल छोटी पीपल जो होती है, पिपली बोलेंगे तो मिल जाएगी, सौंठ, पीपल, छोटी पीपल और काली मिर्च, इन तीनों को मिला करके उसको आप शहद के साथ सुबह सुबह यदि थोड़ा सा चाट लें तो बहुत अच्छा है। नहीं शहद उपलब्ध है तो आप दूध पीते हो तो दूध में थोड़ा सा डाल दीजिए, 4 चुटकी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और उसका आप सेवन करिए। यदि आपको त्रिफला मिलता है तो त्रिफला का काढ़ा पी सकते हैं, फलत्रिकादि काढ़ा मिले तो फलत्रिकादि काढ़ा पी सकते हैं। और सभी लोग सात्विक आहार लेंगे तो कोई भी प्रकृति हो वो सम हो जाती है, कफ प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति। अब देखिए पित्त प्रकृति को रात्रि में जागरण नहीं करना है, कफ प्रकृति को दिन में सहन नहीं करना है, और वात पित्त कफ तीनों प्रकृतियों को गर्मी में, जैसे बहुत गर्म है थोड़ा देर आराम कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुनगुना पानी कफ प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी है, वो जब चाहें जितना चाहें वो गुनगुना पानी का ही प्रयोग करें, बहुत गर्म नहीं पीना है गुनगुना जल। और जैसे ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे केला खाते हैं तो केला यदि खाना ही हो तो आप त्रिकटू जो हमने अभी बताया, सौंठ, पीपल और काली मिर्च, उसको लगा लीजिए केले में, सेंधा नमक थोड़ा सा लगा लीजिए, आप केला खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। दूध पीते हैं तो दूध केला मिक्स करके मत पीजिए, ये दोनों परस्पर पचने में भी विलंब कर दें और कफ को बढ़ाते हैं। तो आप जो है आहार को थोड़ा सा इस तरह से ध्यान में रखें, और जब भी दूध पिए उसमें हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा सौंठ हो तो सौंठ डाल दीजिए, नहीं तो सौंठ, पीपल, काली मिर्च ये तीनों को बराबर मात्रा में बनाए हैं तो उसी को थोड़ा सा मिला लीजिए, हल्दी ज़रूर डालिए, हल्दी से तीनों में संतुलन स्थापित हो जाता है। हल्दी अद्भुत है, और इस समय जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन चल रहा है इसको संतुलित करने के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाती है। अभी हम जब योगाभ्यास बताएंगे तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग वाले अभ्यासों को करने में हल्दी की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो इस तरह से हमें कफ प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे, प्रत्येक प्रकृति के लिए कौन कौन सा चीज़ अनुकूल होगा। आप चाहें तो हमारे आयुष दर्पण उसमें जुड़ करके भी आप उसमें प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, उसमें वो आयुर्वेद से ही संबंधित है विशेष, और योग की भी चर्चा होती है। और जो आप चैनल देख रहे हैं इस चैनल में भी आप जुड़ करके इन सब बातों को हमारे द्वारा जान सकते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, एक तो आहार हमें ठीक रखना है, हम आहार पर बहुत डिटेल कर दिए हैं, थोड़ा इस पर और विस्तार करेंगे तो विस्तार काफ़ी हो जाएगा, लेकिन आहार का निर्णय हमें स्वयं करना। हम थोड़ी सी बात ये बता दें,
आप देखिए, आप स्वयं डॉक्टर हैं, कैसे आप जानेंगे आप कैसे स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, आप कैसे जांचेंगे अपने को? आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी दोनों नासारंध्र आपके अनुकूल होंगी। जब आप चाहेंगे आप कभी अभी आप चाहें तो जांच लीजिए, आपके बाएं नासारंध्र में तेज है या दाएं में तेज है, जिसमें भी तेज है आप संकल्प करिए। आप संकल्प के अगर धनी होंगे, बातों को टालते नहीं होंगे, आप जो कहा आप उससे पूरा करते होंगे, तो आप कहेंगे मेरे बाएं नासारंध्र में वायु की गति चल रही है, दाहिने में हो जाए, दाहिने में हो जाए, 5-7 मिनट के बाद वो वायु की गति दाहिने नासारंध्र में होने लगेगी। दाहिने में चल रही है तो आप संकल्प करेंगे बाएं में हो जाए तो बाएं में होने लगेगी। ऐसा संकल्प करने से होने लगता है। और दूसरा देखिए, थोड़ा सा जब स्नान करने जाते हैं तो आप ध्यान दें, जब आपके बाएं नासारंध्र में वायु की गति न हो अर्थात दाएं में तेज हो, तब आप शौच के लिए जाओ, उधर शुद्धि होगी बढ़िया से। नहीं तेज है तो बाएं करवट थोड़ा सा लेट जाइए, दाहिने नासारंध्र से वायु की गति तेज हो जाएगी। इस पर भी कभी स्वर पर प्राणायाम पर चर्चा के लिए कक्षा होगी तो हम उस पर आपको संकेत करेंगे, अभी आप संकेत रूप में ऐसे समझ लें। और जब दाहिने नासारंध्र में तेज हो, भूख बहुत अच्छी लगी हो, तभी आप भोजन ग्रहण करिए। यदि आपको भूख जोर से लगी है लेकिन राइट नॉस्ट्रिल से नहीं चल रहा है और चल रहा है किससे, लेफ्ट से, तो आप भोजन ना करें। उस समय क्या करें, आप खूब जल पीजिए, क्योंकि आपको भूख नहीं लगी है, वो आपके शरीर के भीतर डिसबैलेंस है, वो नकली भूख है, आपके मोटापा को बढ़ाने वाली भूख है, आपके शरीर में डिजीज को उत्पन्न करने वाली भूख है, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इंडाइजेशन को उत्पन्न करने वाली भूख है। इसलिए आप क्या करें कि उस समय जल पी लें। यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है थोड़ा जल पीने के बाद, आप सलाद का सेवन कर लीजिए, क्योंकि सलाद में भी अन्न तो है नहीं, वो जल की मात्रा उसमें अधिक रहती है। फल सेवन कर लीजिए, कोई ऐसे फल जो केला वगैरह ना हो, इस तरह के फल, सिंपल फल, नहीं तो सलाद सबसे अच्छा है। और उस दिन अगर जब तक नहीं चलता है आपका राइट नॉस्ट्रिल और भूख तेज लगती हो, राइट नॉस्ट्रिल तेज होता हो, तभी ग्रहण करिए, अन्यथा ना करें, फिर आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। हमने आपको एक बहुत बढ़िया सूत्र बता दिया। और देखिए दूसरा, कि जब आप स्नान करने जाते हैं, विशेष रूप से स्नान और शौच दोनों को ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग क्या है कि एक बार शौच करते हैं और शौच करके फिर चले आते हैं, टहलते घूमते हैं, फिर बाद में आएंगे पसीना हो जाए, ऐसा सोचते हैं। ऐसा कभी मत करिए। आप जब शौचालय में जावें, यदि पहले तो शौचालय अलग और स्नानागार अलग होता था, लेट्रिन बाथरूम अलग अलग होते थे, लेकिन अब तो कंबाइंड हो गया। कंबाइंड का मतलब ये है कि आप जो है शौच आप कर लिए, शौच करने के बाद आइए, ब्रश वगैरह किए, स्नान किए और आप फ्रेश हो गए, तभी आप कहेंगे फ्रेश हो गए। क्योंकि देखिए मल निष्कासन तो कर दिया, मलमूत्र विसर्जन के बाद हमारे जो ये रोमकूप है, अनंत रोमकूप है, कोटि कोटि रोमकूप हैं, गिनती नहीं कर सकते, इन सारे रोमकूपों को स्वच्छ करना है, खूब मल मल करके, मर्दन स्नान है, मर्दन स्नान समझते हैं ना। स्नान पर भी एक व्याख्यान हमारा हुआ है, बहुत बड़ा, कई प्रकार के स्नान होते हैं, मर्दन स्नान, प्रोंछन स्नान, पोंछते हैं कपड़े से, ठंडा जब ज़्यादा हो तो गुनगुने पानी से उसको वो करके खूब पोछा जाता है शरीर को, जो नहीं नहा सकते, या गुनगुने जल से स्नान करते हैं बंद बाथरूम में। ये मन हमारा ना ऐसा है कि बहुत ही कष्ट देता है हमें, वो कहता है नहीं नहाना नहीं है, रजाई के अंदर रहो, ठंडी है, गर्मी है तो एसी के अंदर रहो, नहीं, हमारे शरीर को हमें नाजुक नहीं बनाना है, हमारे शरीर को हमें भोगी नहीं बनाना, हमारे शरीर को हमें रोगी नहीं बनाना। देखिए अत्यधिक भोगी बनाएंगे शरीर को तो रोगी हो जाएगा। शरीर को कैसा बनाना है, योगी बनाना, थोड़ा तपाना है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि धूप में ले जाके तपाने लगे, नहीं। अगर हमें एसी की आवश्यकता है तो हम 28 डिग्री 24 से 28 के बीच में रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा उसको ठंडा नहीं करेंगे। 24 से 28 में रहेगा तो आपको सुखद अनुभव होगा। अब आप 24 से नीचे 22 23 18 में ले आएंगे तो सामान्य रूप से सुखद तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन आपको सुखद अनुभूति होने वाला होगा, लेकिन शरीर में विकारों को उत्पन्न करेगा। आप देखें जब टेम्परेचर 28 29 30 तक होता है बाहर का, प्रकृति का, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से एसी में बैठे हैं तो आप 24 से 28 के बीच में रख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका शरीर के भीतर का जो दोष है वो दोष उत्पन्न नहीं होगा, दोष धीरे धीरे आपके अनुकूल रहेगा। और एसी में बैठ करके कभी भी योगाभ्यास न करें, कुछ लोग गलती करते हैं और बहुत तेज पंखा चला के भी योगाभ्यास न करें, बहुत गर्मी है तो आप पंखा चलाइए और पंखा से
थोड़ी दूरी पर आप रहिए, बिल्कुल पंखे के नीचे ना रहें, तो हल्की हवा जो लगेगी और थोड़ी सी जो पसीने की बूंदें आपके शरीर से टपकेंगी वो आपको बड़ा सुखद अनुभव कराएंगी। जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलता योगाभ्यास में, तब तक शरीर के अंग जो हैं बलवान नहीं होते, मजबूत नहीं होते। शरीर को उसी में मल देना चाहिए, उस पसीने को बताते हैं, मुख में आ रहा है तो मुख में मल दीजिए, कहीं भी आ रहा है उसे मल दीजिए, कपड़े से ना पोछें। तो इससे क्या होता है, दृढ़ता लघुता चाहे वो तेन गात्र से जाएते, जले न श्रम जाते न, जल श्रम होने पर जल निकलता है शरीर से है? तो एक स्नान पसीने से भी होना चाहिए। एक बार स्नान करिए बाथरूम से शौच के बाद, और दूसरा स्नान करिए खूब सुंदर तरीके से आप अभ्यास के बीच में, और फिर आपकी आवश्यकता हो तो आप क्या करें, आधी घंटे बाद जब बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठंडी हो जाए, फिर स्नान कर लीजिए। ये तो कोरोना काल हम लोग नहीं कहेंगे, हम तो इससे कहेंगे ये योग साधना का काल चल रहा है इस समय भगवान की कृपा से। कोरोना काल तो वहाँ पर है जहाँ पर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है। अब जैसे हम लोग कहें कि शरीर रोगालय है, शरीर व्याधि का मंदिर है, वो ये हमें नहीं कहना है, ये उन्हें कहना है जो शरीर को भोगालय बनाए हुए हैं, जो शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय करके रखे। हम तो कहेंगे देहो देवालय जीवो नित्य सना, देह देवालय है, शिवालय है, इसमें जीव नित्य सनातन है, मैं जीव जो है शिव हूँ, हैं जीव भाव काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सरी ईर्ष्या द्वेष, ये सब जो जितने भी भाव हैं, ये पशुता वाले भाव, इनको त्याग करके मैं शिव भाव से युक्त होने की साधना करता हूँ, अर्थात मैं योग युक्त होना चाहता हूँ, मैं तपाऊँगा शरीर को। और सरल तपस्या है, देखिए तपाने का सरल तरीका है, आप खूब बढ़िया से योगाभ्यास करिए, थोड़ा पसीना आने दीजिए। आप अगर आपको लगता है कि मुझे सुबह की 7-8 बजे तक की, 8 बजे के बाद हम नहीं कहेंगे, 8 बजे तक की मैक्सिमम इस समय की, नहीं तो 7 बजे तक की, सबसे उत्तम तो 7 बजे तक की, उससे ज़्यादा नहीं, और जिस जो नहीं उठ पाते उनके लिए 8 बजे तक की, लेकिन उस समय पीठ को आप सूर्य की तरफ पीठ रख करके करना पड़ेगा अभ्यास आपको, और नहीं तो सुबह 5 से 6 के बीच में आप बढ़िया से वो करिए, खूब शानदार तरीके से सूर्य नमस्कार करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, और जब प्रचंड होने लगे उदित नारायण तब पीठ लगा दीजिए उनकी तरफ। उस समय आपका जो पसीना निकलेगा शरीर से, और सबसे बढ़िया तरीका, हमारे पास तो बहुत, हमने तो 100-150 एलोवेरा के जो है पौधे लगा रखे हैं, आप गमले में लगा लीजिए 10-5, खूब हो जाता है। उसके वो उसकी डंडी को काट करके उसमें गाड़ देंगे थोड़ा सा गोबर के खाद और उसमें, तो उससे भी वो जम जाता है, तो उसको लगा दें और उससे जो है उसका मालिश कर लें, थोड़ा सा उसको लगा लें, मुख में लगा लें, पूरे शरीर में लगा लें, और पल्प उसके भीतर की थोड़ी निकाल करके उसको खा लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपको ये सब चीज़ें प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं, और कहीं भी शहर में रहें, कहीं रहें, बम्बई में, यहाँ वहाँ, सब जगह लोग लगाए हुए हैं एलोवेरा, तुलसी, हल्दी भी आप लगा सकते हैं, हल्दी की गांठें जो है घर में ही तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों का बराबर सेवन करें। हल्दी का सेवन तो बराबर दूध में, चाय को छोड़ करके हम तो कहेंगे काढ़ा पीजिए, तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, सौंठ, ये सब चीज़ों को मिलाकर, पारिजात की पत्ती मिल जाए तो वो, नहीं तो दिव्य पेय, प्रज्ञा पेय, ये सब मिल जाता है पतंजलि का या गायत्री शक्तिपीठ वालों का, कहीं किसी का भी आप ले लें इन पेयों को, नहीं तो घर पर ही आप बना लें। इस तरह से आप सौंठ का प्रयोग करें, चाहे अदरक का प्रयोग करें, इस तरह से आप जिसको जैसे कफ बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो उन लोगों को तो सौंठ का प्रयोग ज़्यादा अच्छा है, और यदि कफ ढीला है बहुत ज़्यादा तो उनको सौंठ से ज़्यादा अच्छा अदरक है, अदरक का काढ़ा पिए। इस तरह से हमारा ये जो नासारंध्र है, लंग्स हैं हमारे, डाइजेशन है, ये सब प्रॉपर हो जाता है। आप देखिए अति भोजनम रोग मूलम, वही भोजन के संदर्भ में बातें कही गई हैं कि जब बहुत भोजन हो जाता है तो रोग का मूल कारण क्या है, बहुत खाना। और फिर कहते हैं रोगा सर्वे भी मंदाग्नो, जब भोजन बहुत करेंगे तो मंदाग्नि उत्पन्न होगी, जठराग्नि मंद हो जाएगी, तो सारे रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो जठराग्नि का मंद होना, और जठराग्नि को हमें बढ़ाना है तो हमारे बहुत सारे आसन हैं। अब हम आसनों पर आएंगे, अष्टांग योग का परिचय हम केवल नाम मात्र का ऊपर दे पाएंगे आपको, फिर अलग से उसकी कक्षा में हम एक एक अंग पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अति भोजनम रोग मूलम, जो अति भोजन का है ना, अत्याहार, जो आहार बहुत लेगा, तो योग का सबसे बड़ा विघ्न क्या है, आहार की मात्रा का अधिक होना। दूसरा अत्याहार प्रयासश्च, अति श्रम करना, बहुत श्रम जब करेंगे तो योगाभ्यास में मन नहीं लगेगा, थक जाएंगे। प्रजल को बहुत बोलेंगे, बहुत बोलने के बाद प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, आसन नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हमें प्रजल को संतुलित बोलना है। नियमाग्रह, बहुत ऐसे कठिन नियमों को नहीं पालना, जैसे बहुत हमने नियम पाल लिए कि हम एकादशी करेंगे, हम तो गंगा स्नान करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन संभव नहीं है,
बहुत सारे नियमों को पालना संभव नहीं है, तो ऐसे नियमों को न पालें, ऐसे नियमों को भी न पालें जो नियम आपके योगाभ्यास में बाधक हों। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि जब योगाभ्यास करते हैं तो भूख भी अच्छी लगती है। और हमने आपने व्रत किया, कोई जैसे कोई व्रत करते हैं तो नवरात्रि व्रत करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, बहुत सारा आलू खा जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा जाते हैं जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ाने वाली, तो अटर पटर चीज़ों को खाने से क्या फ़ायदा? ऐसा व्रत करने से अच्छा है कि आप व्रत ना करें। यदि व्रत करना है उस दिन केवल फलाहार, फलाहार का मतलब फलों का ही सेवन करें, दूध पिएं, शुद्ध वो भी गाय का दूध, पैकेट का दूध, भैंस का दूध न पिएं। इस तरह से यदि सात्विक सात्विक विचारधारा के लिए बहुत ही सारी अच्छी चीज़ों को हम अपनाएं। आवाज़ रिपीट हो रही है, अभी ठीक आ रही है? तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को हमारे अनुकूल बनाते हैं। तो आहार पर थोड़ा सा हमने संकेत किया आपको, इस तरह से आहार को ठीक रखें। आहार ठीक होने के बाद हमें आगे क्या करना है कि अब हम अष्टांग योग के उसमें आ जाते हैं, यम और नियम। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हम अपने विचारों में अज्ञानता न लावें, जैसे हिंसात्मक भावना को न लावें, क्योंकि हम जब तनाव में आते हैं तो हिंसात्मक भावना से तनाव में आते हैं। वितर्क हैं ये, हिंसा दया वितर्क, हिंसा दया वितर्क क्या है? हिंसा आदि, हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह नहीं परिग्रह, असौच, असंतोष, अतप, अस्वाध्याय, ईश्वर परिधान का अभाव है, इस तरह से बहुत सारी जो विकृतियाँ हैं, फिर अमैत्री, अकरुणा, अमुदिता और अपेक्षा। तो इस तरह से ये वितर्कों को बांधने के लिए हमारे मन में बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है वितर्कों से। वितर्क जाल जो है ना, ऐसे हैं जो तनाव को उत्पन्न करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए वितर्कों को बांधने के लिए? मन में किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, वाणी से किसी को कष्ट न दें, शरीर से किसी को कष्ट न दें। इस तरह से हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हिंसा से हम अहिंसा की ओर चले जाते हैं। अहिंसा की प्रतिष्ठा से क्या होता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ गैर्य त्याग, हमारे आसपास का वातावरण निर्वैर हो जाता है। सत्य, सत्य कैसा होना चाहिए? मन में, वाणी में और अपने कर्मों में एकता होनी चाहिए। मन की, वाणी की और कर्मों की एकता का नाम है सत्य। मन में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वाणी से बोलें, वैसे ही कर्मों से करें। मन की और वाणी की एक रूपता न हो, कर्मों में एक रूपता न हो, तो मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं, कर्मों से कुछ करते हैं, तो यह असत्य हुआ। और अहिंसा परक होना चाहिए, हिंसा न हो, इस तरह की वाणी बोली जाए। फिर सत्य के बाद अस्तेय, चौर्य का अभाव, अचौर्य मैंने चोरी ना करना है, तो इससे ये हम कर सकते हैं, इससे हमें सर्वरत्नोपस्थानम, कोई कष्ट नहीं होता जीवन में, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है सरलता से। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, उत्साह बढ़ता है ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से। आसन प्राणायाम करने में भी सुगमता रहती है ब्रह्मचारी को। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, परिग्रह करेंगे तो उसी में हम फंसे रहेंगे। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे प्रपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने से आवश्यकता जितनी हो, जितने से काम चल जाता हो, उतना यदि हमारे पास है तो हम सुखी रहेंगे, और यदि बहुत ज़्यादा हमने संग्रह कर लिया तो हम दुखी रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, जितनी हमारे पास हम उपलब्धि है सरलता से, जो उपलब्ध है जितनी आवश्यकता, बस उतने में संतुलित रहें। तो हम पूर्व जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या है, आगे हमें क्या लक्ष्य है, इसका बोध हो जाता है। फिर इसी तरह से हम शौच, बड़ा महत्वपूर्ण है ये शौच, हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। आजकल देखिए शौच पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, हाथ धोने की विधि बताई जा रही है, स्नान करिए, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचिए, वस्त्र आदि को बढ़िया से बाहर भीतर की सफाई रखिए। जैसे वातावरण के घर की सफाई करते हैं, उसी तरह से शरीर रूपी घर की तन की भी सफाई करनी है। मलमूत्र का विसर्जन करना, शरीर को बढ़िया से साबुन आदि से आप धोते हैं, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करते हैं, और ये हुआ बाह्य शुचिता। हम जैसे नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाति, ये सब करते हैं, ये सब शरीर की शुद्धि। अब मन की शुद्धि ध्यान से, प्राणायाम करने से भी मन की शुद्धि हो जाती है, विचारों की शुद्धि भी ऐसे ही करनी है। अब तन मन जब दोनों शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, शौचात स्वांग जुगुप्सा। अब देखिए यही स्थिति इस समय आ गई है। अब पहले हम हेलो करते थे, हाथ बढ़ाते थे, और अब जो है हेलो की जगह नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कोरोना वायरस तो एक निमित्त बना, सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवत्यजा स्थितिम करोति भूतानाम सैव काले सनातनी भगवती की शक्ति है, ये ऐसी लीला इन्होंने कर रखी है।
ऐसा मान लेना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा, वो चाहे वुहान से आया हो चाहे कहीं से आया हो, ऐसा मानना चाहिए। कुछ हमारे यहाँ भारत में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो हमारे भारतीयों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि अब हम हेलो नहीं करेंगे, हम नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे और दिव्यता से, भावना से अपने हृदय के साथ सबको जोड़ेंगे। ये अपने हृदय में आप अपने से जुड़िए, इसके लिए ये नमस्कार किया जाता है। और इसी प्रकार से हम पवित्र रहें, इसके लिए हम जो संसर्ग जो दोष होता था शरीरों से मिलने का, गले मिलते थे लोग और बराबर बहुत सारी, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ही अच्छा है शरीर विचारों को पवित्र रखने के लिए। इसका पालन करने से ब्रह्मचर्य में भी ये सहायक है और हर तरह से ये हमारे विचारों को पवित्र रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए और विकारों से मुक्त रहने के लिए। और देखिए, जो खांसते थे, थूकते थे, हमारा पाचन बिगड़ता था, जगह जगह गंदगी होती थी, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, लोगों का डाइजेशन, बहुत सारे रोग तो ऐसे ही दूर हो गए, केवल कोरोना के भय से छिटपुट रोगों से हमें मुक्ति हो गई है। तो इस प्रकार से हम बहुत तरह की व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें जो है बराबर जो वातावरण में विकृति थी उसके लिए हम नाक मुंह में वो लगाते थे, अब जो है हम बराबर कुछ दिनों तक लगाएंगे और प्रकृति अपने आप वैसे नियंत्रित कर लेगी सारी चीज़ों को। तो इस तरह से हम बाह्य शुचिता रखें, आभ्यंतर शुचिता रखें, तो दूसरे के शरीर से संसर्ग की और अपने शरीर से संसर्ग की इच्छा नहीं होगी, अपने शरीर से घृणा उत्पन्न हो जाती है। फिर कहते हैं आगे जब मानसिक शुद्धि करते हैं तो सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि हो जाती है, मतलब बुद्धि शुद्ध हो जाती है हमारी जब हम आभ्यंतर शुचिता का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं। इस तरह से सत्व शुद्धि, सौमनस्य दौर्मनस्य उदासीनता का भाव मिट जाता है, सौमनस्य आ जाता है और उसके बाद दौर्मनस्य दूर जब होगा, सौमनस्य होगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद होगा सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रता, सौमनस्य से एकाग्रता उत्पन्न होती है। एकाग्रता इंद्रिय जय, इंद्रिय जय मैंने सब इंद्रियाँ हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं, जैसे हमारी हमारी नेत्रेंद्रिय है, ये चक्षुरेंद्रिय बढ़िया सुंदर देखेगी, जो देखेगी अच्छा देखेगी, बुरा नहीं देखेगी और बुरा नहीं सुनेगी, सही सुनेगी और सही बोलेगी। इस तरह से हमारी सभी इंद्रियां जो है एकाग्र, इंद्रिय जय अपने नियंत्रण में आ जाती हैं, एकाग्रता हमें प्राप्त होती है, कंसंट्रेशन पावर हमारा बहुत सुंदर हो जाता है और आत्मदर्शन योग्यत्व आने चाहिए, मैं कौन हूँ इसका भी बोध हो जाता है, अपनी आत्मा से सरलता से हम जुड़ने लगते हैं। इंद्रिय जय योग्य आत्म जय योग्यत्व आने चाहिए, इस तरह से शौच का फल मिलता है। शौच के बाद संतोष, संतोष से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, जो हमें प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट रहें, हम पढ़ने लिखने अच्छे कार्यों को करने में संतोष, अच्छे कार्यों को करने में संतुष्ट ना हो, अच्छे कार्य करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, उसमें संतोष मत करिए, लेकिन संसार की जितनी भी विषय वस्तु हैं उनमें संतोष कर लीजिए। पद नहीं मिला कोई बात नहीं, संतुष्ट हो जाइए, प्रतिष्ठा नहीं मिली कोई बात नहीं, संतुष्ट हो जाइए, असंतुष्ट होंगे तो फिर आपको तनाव होगा, बहुत कष्ट होगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में संतोष नहीं, नहीं मुझे तो अध्ययन करते रहना है, मैं कुछ नहीं बन पाया कोई बात नहीं, मैं अध्ययन करता रहूँगा। कुछ लोग क्या हैं, कुछ पद पा जाते हैं उस वहीं संतोष कर लेते, बस हो गया आप तो पद पा गए, प्रोफेसर हो गए, ये हो गए, तो अब कोई आवश्यक नहीं, हमें कोई पद नहीं मिला, हम प्रोफेसर आचार्य आचरण करते रहेंगे, शास्त्रों को लेते रहेंगे, विधिवत ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे और जब तक हमारा जीवन है तब तक हम ज्ञान को बढ़ाएंगे। ज्ञान तो सभी को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, आचरण सबका होना चाहिए अच्छा। इस तरह से हमें संतोष रखने से, संतोष ऐसे संसार की जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हैं उनमें संतुष्ट रखें, इससे अनुत्तम सुख मिलता है। संतोष के बाद आता है तप, तप कहते हैं शरीर की शुद्धि हो जाती है, इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है तप से, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, प्राणायाम है परम तप, इससे भी तपस्या हो जाती है, शीत उष्ण को सहने से, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व माने शीत उष्ण, इसको सहन करना, ये भी तप का बहुत अच्छा माध्यम है। और युक्त आहार विहार, संतुलित आहार लेना और संयमित जीवन जीना या व्रत उपवास आदि जो करते हैं हम, कृच्छ चांद्रायण व्रत आदि बहुत तरह के तप बताए गए हैं, वो उसी तप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन तप ऐसा होना चाहिए जो अपनी इंद्रियों को और अपने सप्त धातुओं को संतुलित रखे, अपने मन विचारों को सबको संतुलित रखे, किसी भी प्रकार से कष्ट न हो, योग साधना में बाधा उत्पन्न न हो, ऐसा तप, तो तप से बहुत लाभ मिलता है। और अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता, तप से योग की साधना सफलता की ओर जाती है। आप सब समाधि को लगा सकते हैं, समाधि मैंने ये नहीं है कि आँख बंद करके केवल बैठे रहें, समाधि को आप इस तरह समझें जिसमें मेरा मन लग जाता है, पूरी तरह समाहित हो जाता है, वो समाधि है। जैसे विषयों में मन समाहित हो जाता है तो वो समाधि, ध्यायतो संगस्ते सुप जायते,
विषयों के साथ चित्त समाहित होता है तो उनके साथ उनकी आसक्ति हो जाती है, और यदि विषयों से मन हट गया, ध्यानम निर्विषय मन, विषयों से मन हट गया और वह समाहित हो गया अपनी आत्मा में, अंतर्मुखी हो गया, तो उसको कहेंगे वो ध्यान हो गया, वह समाधि हो गई, वह समाधि अंतर्मुखी। तो दो तरह की समाधि है, आप बाहर की ओर लगाते हैं मन को या भीतर की ओर लगाते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि हम इसको समझें तो भोजन करते समय मन को भोजन में समाहित कीजिए, भोजन में लगाइए, जैसे दूध में जल को मिला देते हैं ना, समाहित कर देते हैं, मिला देना, उसी तरह से जब जिस कार्य को करें उस समय उसी में मन को पूरी तरह से समाहित कर दें, वह कार्य विधिवत होने लगता है, उसमें भगवती की कृपा बरसने लगती है, भगवती मैंने कुंडलनी शक्ति वो जागृत हो जाती है उस समय। और जब आप व्याख्यान देंगे तो व्याख्यान अच्छा होगा, जब आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास अच्छा होगा, भोजन करेंगे तो भोजन अच्छे से पचेगा, आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपके अनुकूल होगा, तनावयुक्त होकर के जैसे तैसे बेमन से, ऐसे नहीं। तो इस तरह से हमें पढ़ते जाना, बुराइयों को घटाते जाना, इसको आप डायरी बना सकते हैं, लेफ्ट साइड में बुराइयों को लिखिए, राइट साइड में अच्छाइयों को लिखिए, धीरे धीरे अच्छाइयों को बढ़ाइए, बुराइयों को घटाते जाएं। इससे क्या होगा, इष्ट देवता का संप्रयोग होगा, मन उनका संपर्क होगा, आपके भीतर वह परमात्मा प्रकट होने लगता है। और थोड़ा सा भगवद गीता को पढ़िए, उपनिषदों में से कुछ पढ़िए, रामचरित मानस पढ़िए, योग सूत्र को पढ़िए, कुछ भी ऐसे योग के ग्रंथों को पढ़िए जिससे आपका मन प्रसन्न होता हो, ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव अध्यात्म है, स्वभावोध्यात्म मुच्यते, हम लोग आनंदपूर्वक अध्यात्म से जुड़े रहेंगे। अब इसके बाद स्वाध्याय के बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने क्या होता है, भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्वेत। जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है वो क्या मानता है, मैं कुछ नहीं करता, वो सब भगवान ही कराते हैं, मैं तो निमित्त मात्र बना हुआ हूँ, निमित्त मात्र बहुत सभ्य साचिन, भगवान ने भगवद्गीता में अर्जुन को कहा तू निमित्त मात्र बन, तू करता धरता कुछ नहीं, करता धरता महेश्वर, नाहं करता हरि करता, हरि करता मैं कुछ नहीं करता, जिसने हरा भरा कर रखा है संसार को वो हरि वही करता धरता, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुझसे वो मुझे कहीं नियुक्त कर दिया, वो नियुक्त कर दिया तो मैं उसमें जो है नियुक्त होकर के मैं कुछ करने लगता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ कि मैं करता हूँ, नहीं ना, अहम करता अहम करूँगी थी वृथाभिमान, मैं करता हूँ, ऐसा व्यर्थ का अभिमान करने से मैं अज्ञान में आ जाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जैसे हमारे पास कोई संतान है तो हम कहते हमने संतान को जन्म दिया, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, हमने तुम्हें आगे बढ़ाया, हमने तुम्हारी नियुक्ति की, किसी ने किसी की नियुक्ति कर दी, कोई पद प्रतिष्ठा है मिल गई, नहीं मैं कुछ नहीं करता, ये सब परमात्मा ही करते हैं, हमारे तुम्हारे भीतर जो कर्मठ कराने कर्मठ की ओर ले जाने वाली शक्ति है वो जागृत होनी चाहिए, संग अच्छा ध्वम संबद्ध ध्वम वाली स्थिति हमारी आपकी होनी चाहिए, वो परमात्मा को सब समर्पित कर दीजिए, जो भी कर्म करें, यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम संभो तव आराधनम, हे प्रभु मैं जो भी कुछ करता हूँ आपकी आराधना के लिए करता हूँ, कभी गलत काम हमसे होगा ही नहीं, एकांत में भी हम अच्छा ही कार्य करेंगे, कितना अद्भुत आनंद है, कितनी अच्छी भक्ति है योग में, कितना अच्छा कर्मयोग है, कितनी अच्छी जो है राजयोग की इसमें चर्चा है योग में, कितना सुखद अनुभव है जब हम ठीक प्रकार से जीवन को अपनाते हैं इस तरह से। अब हम देखिए आगे हम थोड़ा सा और शॉर्ट करते जा रहे हैं अष्टांग योग को, अब हम आ रहे हैं आसन में। ये हो गया ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, ये उसका बहुत बड़ा फल है। जब समाधि मैंने चित्त पूरी तरह से समाहित हो जाता है, आप चित्त को पूरी तरह समाहित करने के लिए ईश्वर प्रणिधान करते हैं। अब देखें अब हम आते हैं आसनों को, आसन ही ना समन्ता, ईश्वर प्रणिधान करना है, ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, प्राणायाम का अभ्यास करना है, कुछ भी करना है तो एक आसन लगाना पड़ेगा आपको, पढ़ना लिखना है तो भी आसन लगाना होगा, भोजन करना है तो भी आसन लगाना होगा, आप कुर्सी में बैठते हैं तो वो भी आसन होता है, पैर लटका के बैठे, चाहे आप पलथी मार करके बढ़िया से ऐसे फुटलॉक करके बैठें, जैसे हमने ये लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया तो सर्कुलेशन यहाँ से रुक गया, अब इसी तरह फुटलॉक करेंगे तो नीचे की तरफ सर्कुलेशन रुक जाएगा, नीचे की तरफ से रुकेगा तो हमारा सर्कुलेशन कहाँ होगा, पूरी तरह से हमारे मध्यम मार्ग में होगा, बीच में होगा। तो ये अब हम आसनों पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो है चयनित योगाभ्यास जो है आप लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए, जो जिस पर चर्चा करने का हमको संकेत किया, आदेश हुआ है सुनु जी का, हम काफ़ी उनके इस मैंने बात से प्रसन्न हुए कि आपने हमें अवसर दिया बोलने का और आप सबसे जुड़ने का अवसर दिया। आयुष दर्पण जर्नल में भी प्रतिदिन आप लोग शाम को 8 बजे से जुड़ सकते हैं, उसमें हमारी मैडम डॉक्टर गीता भट्टी जी भी उसमें बोलती हैं, एक दिन हमारा एक दिन उनका होता है, आज उनका है शाम को 8 बजे से 9 बजे, और कल अल्टरनेट रहता है, कल हमारा रहेगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह की आ जाएंगी तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं।
तो अब हम आसनों पर चर्चा करने जा रहे थे। हम योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास करने से पहले हमें जानना चाहिए कि हम योगाभ्यास क्यों करते हैं। योगाभ्यास हम करते हैं आरोग्य के लिए। आरोग्य क्यों चाहिए? क्योंकि आरोग्य रहेगा तो जीवन हमारा सुखी रहेगा। सुख के लिए आरोग्य चाहिए। यदि सुख न मिलता हो, आरोग्य से सुख नहीं मिलता किसी को, तो कोई आरोग्य नहीं चाहता। कोई रोग से अगर हमें दुख नहीं मिलता तो रोग से मुक्ति कोई नहीं चाहता। रोग से हमें कष्ट होता है, चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे कैंसर से हमें कष्ट होता हो, चाहे हमें अल्सर से होता हो, चाहे डायबिटीज से होता हो, चाहे जिससे भी होता हो, इंडाइजेशन से होता हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, बैक पेन से, नेक पेन से, इतने रोग हैं, उन रोगों का नाम लेते लेते हम लोग थक जाएंगे। अब देखिए, सारे रोग दूर हो जाते हैं। हम आपको बताएं, बैक पेन, नेक पेन हैं, ये सारे रोग कैसे दूर हो जाते हैं? यदि हम तीन भाग को उन्नत कर लें, जैसे हम ठीक प्रकार से ऐसे फुटलॉक कर लें, ऐसे पद्मासन हमने लगाया, ऐसे ये पद्मासन लग गया हमारा है, पद्मासन लगा तो ये फुटलॉक हो गया। अब हम फुटलॉक कर लिए और ये पद्मासन लग गया। अब इस फुटलॉक करने से, एक फुटलॉक करने से ये हमारी एड़ी नाभि के नज़दीक आ गई और ये बढ़िया से हमारे जो दोनों घुटने हैं ये अच्छी तरह से बंधन में आ गए। और ये लगाते लगाते थोड़ी देर के बाद यहाँ क्या होगा, झुंझुनी होने लगेगी। लोग कहेंगे झंझनाने लग गया या ये शून्य हो गया। ये क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इधर कम हो जाता है, धीरे धीरे मंद पड़ते पड़ते ये पूरी तरह से बंद हो जाता है जब लंबे समय तक बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर विधिवत दबाव पड़ता है। और ये सर्कुलेशन कहाँ होता है फिर? ये नीचे भाग से इस भाग में होने लगता है, श्रोणी प्रदेश में। इसको पेल्विक रीजन कहते हैं। ये हमारे उदर से लेकर के, हमारे नितंबों से लेकर के, हमारे ये पूरी स्पाइन में और हमारे हार्ट तक का ये मध्यम भाग विशेष लाभान्वित होता है। और यहाँ तक हम कहें कि हृदय का कार्य जो है बहुत सुचारू, बहुत सरल हो जाता है। उसके चलते हृदय का कार्य जब सरल होता है तो जो रक्त नीचे से ऊपर की ओर खींचने में उसको परिश्रम करना पड़ता था, अब वो हमारा अगर 2.5 फीट का पैर है उतनी लंबाई से ऊपर खींचना पड़ता था, ये फुटलॉक करने के बाद अब ये 2.5 फीट की जो लंबाई नीचे थी वो बड़ी आसानी से वो प्रेशर आपका ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिनका ब्लड प्रेशर लो है, उनको भी इससे बहुत ही आराम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में सुविधा होगी। लेकिन डायरेक्ट वो पद्मासन जो नहीं लगा पा रहे हैं, वे लोग पालथी मार के बैठने का अभ्यास करें। जैसे पालथी मार के बैठने का अभ्यास इस तरह से करें, ये पैर को अलग अलग रख कर दिए, एक पैर रखा हमने और दूसरे पैर को ऐसे अलग से रख दें, ये अलग अलग हमने रखा है। और पालथी आप लोग जैसे ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये सोचते हैं ये पालथी हो गया, लेकिन योगाभ्यास वाली जितने भी व्यक्ति हैं हम उन सबको यही बताते हैं, आप पालथी जब भी लगाएं तो ऐसे अलग अलग रखें, पैरों को घुटने जमीन के नज़दीक चले जाएंगे, नी ग्राउंड को टच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जब हम नी ग्राउंड से लगा देते हैं तो आराम से हमारी कमर गर्दन सीधी हो जाती है। और इसमें फुटलॉक, ये सामान्य फुटलॉक है, लेकिन इसमें भी फुटलॉक है। इसमें 75% फुटलॉक तो पक्का हो रहा है और उसमें आपका 100% फुटलॉक हो जाता है 10 मिनट 5 मिनट बैठने के बाद, और शुरुआत से ही आपका 90% हो जाता है। तो इस तरह बैठें, इस तरह बैठने से क्या होगा, हमारा डाइजेशन सुधरेगा, हमारे नाभि के आसपास में एड़ियों का दबाव होने के कारण डाइजेशन सुधरेगा, रेस्पिरेशन सुधरेगा क्योंकि स्पाइन सीधी है, श्वास लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारे शोल्डर में कोई पेन नहीं होगा, कंधे सीधे हैं, स्पाइन में कोई पेन नहीं होगा, जैसे बैक पेन होता है बैक पेन नहीं होगा और नेक पेन होता है नेक पेन नहीं होगा। प्रायः क्या होता है, हम लोग गर्दन को ऐसे झुका करके मोबाइल में या लैपटॉप में या पढ़ाई लिखाई करने में लगाते हैं, थोड़ा सा हमें गर्दन को ऐसे पीछे की ओर मोड़ लेना चाहिए और थोड़ा दाएं बाएं ऐसे घुमा लेना चाहिए। ऐसे हमने ये ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास किया तो राइट साइड में ले गए, फिर ऐसे हम लेफ्ट साइड में ले जाएं, ऐसे बैठे बैठे आप कुर्सी में बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको, वहाँ पर बहुत सारे अभ्यास करने में कठिनाई होगी। आप यहाँ पर जो खिंचाव हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, हाथ लगाना नहीं है, केवल ऐसे खिंचाव पर ध्यान देना है। ये ऐसे आपने लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर अगर एक चक्र करना है तो फिर ऐसे ऊपर भी ले जाइए श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए फिर सामने। जिनको गर्दन में पेन है बहुत ज़्यादा, वे लोग आगे ना झुकें, दाएं ले जाएं, बाएं ले जाएं, ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए पहले भर लीजिए, छोड़ते हुए राइट, फिर भरें छोड़ते हुए लेफ्ट, फिर भरें यहाँ पर पूरा छोड़ दें, फिर भरते हुए ऊपर उठाएँ। इस तरह से
5-7 राउंड आप कुर्सी में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे आप पद्मासन वज्रासन में भी बैठ करके इसको कर सकते हैं, सुखासन में बैठ कर भी। नई जगह है तो आप जहाँ जैसी अवस्था में गर्दन की एक्सरसाइज ही हो गई। इसी तरह से आप क्या करें, जब आपको लगता है अकड़न जकड़न हो रही है तो ऐसे हाथों को थोड़ा नीचे की ओर तान लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की ओर तान लीजिए, ऐसे ऊपर ताड़ासन जैसे करते हैं। आपने देखा होगा जब कभी हम थक जाते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, खींचते हैं आगे पीछे दाएं बाएं। आपने जानवरों को भी देखा होगा, अंगड़ाई लेने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और मांसपेशियों में जो खिंचाव तनाव था वो दूर हो जाता है। तनाव दूर करने के लिए खिंचाव देते हैं हम इस तरह से। तो इस तरह से ये अभ्यास कर लें। और एक सरल अभ्यास, जैसे कुर्सी में भी बैठे हैं ऐसे बॉडी को ट्विस्ट कर लीजिए। डायबिटिक भी होंगे तो आपको डायबिटिक में भी आराम मिलेगा ऐसे। और कितना ड्यूरेशन करें, ड्यूरेशन का सरल तरीका है 3 normal breathing मिनिमम। आप ऐसे रुकिए, ऐसे ही ब्रह्म मुद्रा में भी 3 normal breathing ऐसे, 3 सामान्य श्वास रुके। और नॉर्मल ब्रीदिंग भी थोड़ी सी डीप होनी चाहिए, यानी कि बहुत फास्ट कर रहे हैं आप। 3 normal breathing 3 to 5 भी आप कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा करने में आपको काउंटिंग में दिक्कत होगी। 3 सामान्य लंबी गहरी श्वास हो, सामान्य श्वास में भी लंबी गहरी सामान्य श्वास हो, ऐसे करके फिर आप वापस आ सकते हैं। ये आप कुर्सी में बैठे बैठे कर सकते हैं, आप चेयर पर हैं उस पर कर लीजिए, आपकी ट्विस्टिंग भी हो गई। और कुछ ज़मीन में बैठे हैं तो ऐसे आप एक हाथ ऐसे घुटने में लगाइए, एक हाथ पीछे भी ले जाइए ऐसे, ये बहुत सुंदर ट्विस्टिंग हो गई। कोई आसन आप नहीं कर रहे लेकिन आसन का लाभ आप ले रहे हैं ट्विस्टिंग के माध्यम से। इसी तरह से आपने ताड़ासन का लाभ ले लिया खींच करके, और इसी प्रकार से थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर के ऐसे थोड़ा सा कमर, अगर गर्दन कमर में दिक्कत नहीं है तो ऐसे थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाइए, हाँ थोड़ा सा ऐसे कमर में हाथ लगाइए और खड़े हैं तो हल्का सा ऐसे कमर को आगे की ओर धक्का दीजिए, गर्दन को पीछे की ओर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिन्हें चक्कर आता हो, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो, वे लोग खड़े होकर के कमर को तानने वाला क्रम ऑफिस में नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना। उनको कमर सीधी रख करके उसका लाभ मिल जाता है। अब उसके बाद आप इतना तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो पेट वाली ट्विस्टिंग हमने बताई ये कुछ खा पी करके ना करें, थोड़ा सा 1-2 घंटा हो जाए, मैंने हल्का हो जाए, जलपान भी किया है तो हल्का हो जाए तब करिए, क्योंकि लाभ लेना इससे पेट भी सही रहता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है उसमें मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने कार्यस्थल पर भी, मैंने वर्किंग प्लेस पर भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कहीं क्या नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर देखिए बैठे बैठे कुर्सी में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। वहाँ पर भी मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ कोई आ गया दिक्कत होगी, आप कोई वातावरण आपका ठीक ठाक है, आप उज्जाई करिए गले में आवाज़ करते हुए धीरे धीरे ऐसे। आप लोगों को सुनाई दे रही होगी आवाज़, ये बहुत ही धीमी गति से करना है, दूसरे को सुनाना नहीं है, तो आपको सुनाने के लिए थोड़ी हमने आवाज़ की। और सुबह के समय जब आप घर पर हैं उस समय आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रोकना चाहें तो रोक दीजिए, नहीं तो लेने के बाद फिर लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ दें। लेते समय आवाज़ बहुत शानदार तरीके से होती है, छोड़ते समय बहुत सामान्य आवाज़ होती है, और इससे भी ये ज़्यादा अच्छा है। ये प्राणायाम वाला क्रम है जिसको हमने पहले बताया, इसको आप अपने ऑफिस में, वर्किंग प्लेस में कहीं भी कर सकते हैं इस तरह से। बस ये ध्यान रखना है पेट हमारा भरा हुआ ना हो। अब और क्या कर सकते हैं, आप ब्रह्म मुद्रा कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं, इसके बाद शीतली कर सकते हैं। जैसे बहुत गर्मी हो रही है, जीभ को गोल बनाया, शीतकारी भी कर सकते हैं,
हमने क्या किया, दांत की जड़ में जिह्वा को लगाया और दंत पंक्तियों से खींच रहे हैं। और दोनों नासारंध्रों से धीरे धीरे छोड़ देना है। ये शीतली शीतकारी ये कर सकते हैं, उज्जायी कर सकते हैं, और सामान्य रूप से आप ध्यान कर सकते हैं। बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, स्पाइन सीधी रहे, मेरा सिर का ऊपरी हिस्सा, मस्तक पटल शिथिल, सब शिथिल, तनाव मुक्त है, पूरी तरह से शिथिल शिथिल करके मन को वहाँ से हटाते जाइए। पैर का तलवा तक सब शिथिल हो गया, पैर का अंगूठी से लेके फिर ऊपर को आइए, सब शिथिल, केवल श्वास प्रश्वास को वाच करिए। थोड़ी देर आप आँख बंद करके इसको कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति सजग हो जाइए, आपका वो कार्य उसके बारे में चिंतन मनन करने लगे, वो कार्य आपका सरलता से होने लगेगा, क्योंकि बिना एकाग्रता के कोई भी कार्य पूर्णता की ओर नहीं जाता है, एकाग्रता से वह पूर्णता की ओर सरलता से जाता है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, कोई भी कार्य बिना कॉन्सेंट्रेशन के किया गया तो उसमें कुछ ना कुछ गलती अवश्य हो जाती है, इसलिए एकाग्रता बना करके हम योगाभ्यास को अपनाएं। अब इसके बाद यदि हम घर पर हैं तो घर पर हमारा योगाभ्यास क्रम कैसे होगा, सबसे पहले हम घर पर क्या करें, घर पर हम बहुत आराम से ऐसे दोनों पैरों को फैला लें। जीभ गोल कैसे बनती है, हाँ देखिए ऐसा है, किसी किसी की जिह्वा मोटी होती है तो वे लोग क्या करें, जीभ को थोड़ा सा जैसे हम लोग जिह्वा बंद करते हैं ना, टंग लॉक ऐसे छोड़ देंगे तो आवाज़ करता है, उसको छोड़े नहीं, बस स्ट्रेच करें, और छोड़ देंगे तो छोड़ना नहीं है, बस यही चीज़ स्ट्रेच करते रहिए, तो थोड़े दिनों में जीभ पतली भी हो जाएगी और जीभ के नीचे का तंतु ढीला। और दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को ऐसे वज्रासन में बैठ गए हम, और ऐसे पैर आगे से खोल लिया, हाथ यहाँ रख करके ऐसे जिह्वा को खींचे, ऐसे करने से गले में भी दोष नहीं उत्पन्न होगा, ये ठीक होगा थ्रोट। जीभ को फिर गोल बनाने के लिए ऐसे अंगुली रख करके ऐसे अभ्यास करें, और नहीं हो रहा है तो परेशान ना हो, महीने दो महीने में होने लगेगा, और तब तक आप क्या करें, शीतकारी करें ऐसे, इस तरह से आप उसका लाभ लें, ठीक है। अब हम बताने जा रहे थे आप लोगों को कि योगाभ्यास हम कितने करें और कौन कौन से योगाभ्यास करें, तो योगाभ्यास तो बहुत सारे हैं, अनंत अभ्यास क्रम भी अनंत बन सकते हैं, और हम उसमें चाह रहे हैं कि आप लोग बहुत सरल तरीके से सरल क्रम से करें। तो हमने भोजन के समय, भोजन के बाद करने वाला आसन था उसको बताया था। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये जोड़ों वाले अभ्यास कर लेने चाहिए, ऐसे अंगुलियों को पैर की, धन्यवाद, ऐसे अंगुलियों को ऐसे दबाने वाला अभ्यास, ठीक है ना, बारी बारी से ऐसे 10 बार ऐसे दबाएं, श्वास को सामान्य रखें, फिर पंजों को आगे पीछे करें, ऐसे पंजे ऐसे ताने अपनी ओर और सामने की ओर, ऐसे 5 बार 10 बार ऐसे, फिर इसको गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे गोल गोल घुमाएं, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर रिलैक्स करें। इसके बाद क्या करना है, घुटनों को तानिए, घुटनों को ऐसे तानना है, ढीला करना है, तानना है, ढीला करना है, घुटनों को तानना है, घुटनों के नीचे तानेंगे थोड़ा खिंचाव आएगा यहाँ पर, इसको ताने ढीला करें, ताने ढीला करें, ताने ढीला करें, इससे क्या होगा, पैरों में जो समस्या होती है, वात से संबंधित जो दोष होता है वो उत्पन्न नहीं होगा। फिर उसके बाद हाफ बटरफ्लाई करें, कफ प्रकृति वाला बता दें, हाफ बटरफ्लाई करें, और भी एक आध अभ्यास हम बता देंगे आपको जो कफ प्रकृति के लिए पूछ रहे थे, उनके लिए नाड़ी संचालन बहुत अच्छा अभ्यास है, वे लोग नाड़ी संचालन करेंगे तो कफ प्रकृति पर बहुत जल्दी नियंत्रण हो जाता है। पित्त प्रकृति पर शीतली शीतकारी करें, पवन मुक्तासन करें, सभी आसन करें, पित्त प्रकृति तो सभी आसनों से लाभान्वित हो सकती है, और वात प्रकृति के लिए ये सबसे अच्छा है, ये सब जोड़ों के अभ्यास करने के बाद, और वात पित्त कफ तीनों प्रकृतियों के लिए नाड़ी संचालन बहुत ही सरल अभ्यास, सहज अभ्यास है ये, बटरफ्लाई तितली आसन, इसको आप करें। और ये अभ्यास नए अभ्यासियों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए ये लाभदायक है, बहुत सुंदर। ये आप ये जोड़ों वाले अभ्यास, क्योंकि अभी हम योगाभ्यासों में जाएंगे तो एक दिन में आपको सारे योगाभ्यास नहीं समझ में आएंगे, तो ये ज्वाइंट्स वाले
मैक्सिमम लोग जानते हैं और आप लोग इनका अभ्यास सरलता से कर भी सकते हैं। अब ये कर लिया हमने, अब हमें देखिए नाड़ी संचालन कैसे करना है। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके हमने दोनों पैर ऐसे फैला लिए, ये पैर फैलाने के बाद ऐसे हमने इनको पकड़ लिया अंगूठों को दोनों पैर के, और लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को, दृष्टि हमें सामने रखनी है ऐसे, ये छूते रहना पैर, पैरों के नीचे बहुत खिंचाव आएगा, और ये पंजा जो है हमारा पैर का एकदम सीधा होना चाहिए, इसको ऐसे झुकाना नहीं है, ये एकदम सीधा रहे, ये देख रहे हैं, ये ऐसे झुकेगा नहीं, ऐसे झुकेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे सीधा रहे। यदि झुकाव बनाना भी है तो अंदर को बनाइए ऐसे, भीतर की तरफ दोनों पैरों के बीच की ओर ऐसे सीधा रहेगा, आकाश की ओर, लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को, श्वास को सामान्य रखकर ऐसे घड़ी रखो, पाँच बारह, समय का भी ध्यान देना है। इस तरह से नाड़ी संचालन करें, हम अभी थोड़ा संकेत में ही बता रहे हैं, और फिर ऐसे आगे की ओर जितना झुक सकते हैं आराम से झुकें, जबरदस्ती नहीं झुकना है, आप लोगों के हिसाब से ही हम झुक रहे हैं, इतना कर लें, और फिर इसके बाद फिर से बटरफ्लाई करें। अगर आप सूर्य नमस्कार और ये अभ्यास कर लेते हैं, आपको हम गारंटी देते हैं कोई भी आसन आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। सूर्य नमस्कार कर लें, तितली आसन कर लें इस तरह से, और नाड़ी संचालन के बाद ये बटरफ्लाई, और इसमें भी ऐसे आगे की ओर ऐसे झुकें, ये बद्ध कोण आसन कहलाता है, ऐसे जितना आराम से झुका जाए, जबरदस्ती नहीं करना है, एक ही दिन में नहीं झुक पाए, थोड़े दिन के बाद माथा भूमि पर आ जाता है, इस तरह से आप करें, इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और डाइजेशन भी सुधरता है, और थाई लिगामेंट, सबसे बड़ी समस्या थाई लिगामेंट जाम रहती हैं, घुटने जाम रहते हैं, ये सब खुल जाते हैं। फिर ऐसे आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी करके इस तरह से, और आराम से बैठने के बाद आप ये इतने सरल अभ्यास थे आपने जो अभी किए, खड़े होकर के सूर्य नमस्कार भी हम आपको एक बार संकेत रूप में बता देंगे। अब देखिए दोनों हाथ ऐसे, ये अंगुलियों का अभ्यास, जितना आप दबा सकते हैं अंगुलियों को दबाएं, श्वास को सामान्य रखें, ऐसे 10 से 20 बार भी इसको कर सकते हैं, 5 से 10 बार कम से कम करें, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलाएं इसको, फिर अप डाउन करें ऐसे 5 बार 10 बार, जितनी भी आवश्यकता हो, सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है ऐसे इस तरह से, और फिर उसके बाद ये स्कंद शक्ति को बढ़ाने के लिए कंधों को आराम से आगे आगे लाना है, ऐसे मिलाना है, पीछे को ऐसे ले जाना है विधिवत, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दोनों तरफ से ऐसे घुमा लें। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जैसे थायराइड के लिए तो बहुत अच्छा उपाय है ये, आप इसको करिए, इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब चिन ओपन करिए, चिन लॉक करिए, इसको दबाइए, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, उसमें भी चिन वाला अभ्यास होता है, सर्वांगासन, मत्स्यासन, ठीक है ना। सर्वांगासन कैसे करते हैं देखिए हम बता दें, क्योंकि आप थायराइड के लिए पूछ रहे थे, ऐसे हम लेट गए, लेटने के बाद हमने पैरों को ऐसे ऊपर उठा लिया और कले में दबाओ, और इसमें से फिर वापस आए, हलासन भी कर सकते हैं, ऐसे पद्मासन लगाए, नहीं तो बिना पद्मासन के भी हमने मत्स्यासन ही, चिन ओपन और चिन लॉक करने वाले जितने भी अभ्यास हैं ये हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। चूँकि एक एक डिजीज पर जब हम करेंगे तब हम योगाभ्यास आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि जब हम डिजीज को लेकर चलेंगे तो वो क्रम थोड़ा अलग होगा, लेकिन ये संपूर्ण रोग व्याधियों से मुक्ति के लिए हमने आपको उपाय बताया। थायराइड पर ये भी उपयोगी है, जो भी अभ्यास आज हमने बताए हैं, यदि ये सारे अभ्यास आप ठीक प्रकार से करें आप सभी लोग और कराएं, ज़्यादा नहीं है ये, बहुत सिंपल अभ्यास हैं, जैसे ये सब किया था आपने अभी, ये किया शोल्डर वाला किया, फिर नेक वाला, इसको भी जोड़ लीजिए ऐसे, हैं ब्रह्म मुद्रा इसको कहते हैं, ऊपर नीचे इसको करें, और ज़्यादा नहीं। अब लेट करके मान लीजिए एक अभ्यास हमको थक गए हैं, तो लेट करके दोनों पैर ऐसे मोड़ लिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और हाथ आरामदायक स्थिति में ऐसे फैला लीजिए शोल्डर में, शोल्डर लेवल में, और ऐसे एक तरफ घुटना एक तरफ गर्दन, एक तरफ आपके दोनों घुटने एक दूसरे से मिले हुए और दूसरी तरफ आपकी गर्दन, ऐसे 25-50 बार आप
कम से कम 10 बार तो करें इसको, और 25-50 बार करें तो और अच्छा, ऐसे आप कर लें और फिर उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, क्योंकि अभ्यास के अंत में प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम के करने से क्या होता है, प्राणायाम में नियुक्ति ना सर्व रोग क्षय भवेत, सब रोगों का अभाव हो जाता है। शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं, उसको दूर करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, और फिर थोड़ा देर शांत ध्यान में बैठ जाना चाहिए। अब देखिए प्राणायाम के लिए एक सरल उपाय, इसमें थायराइड पर भी अच्छा असर होगा, थायराइड पर अच्छा असर होगा, डाइजेशन पर अच्छा असर होगा, पूरे बॉडी का जो है ओवरऑलिंग हो जाएगी इससे। ये शोधन क्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, प्राणायाम का बेस है, इसको कहते हैं कपाल भांति, कपालम भांति थी कपाल भांति, कपाल मैंने खोपड़ी, भांति मैंने स्वच्छ करना। कैसे करेंगे, जैसे नाक साफ कर दें, अब देखें पेट को आप देख लीजिए उधर आगे पीछे कैसे होता है, अभी हमने बहुत सारे आसन, कोई भी आसन नहीं बताए, एक तरह से गिने चुने जो सामान्य क्रम के अभ्यास थे वो हमने बताए। ओके, अब देखिए ये प्राणायाम, आसनों का क्रम एक अलग उसमें है, इसलिए उस पर चर्चा अभी हमने नहीं की, सामान्य क्रम से ही बताया। अब इसको करने के बाद क्या करें, पूरी सांस बाहर निकाल दें, त्रिबंध लगाएं, त्रिबंध मैंने जालंधर बंध, गले की ठोड़ी को कंठकूप से लगाना, ये थायराइड पर बहुत ज़बरदस्त अभ्यास, थायराइड थायमस सारे ग्रंथियों को बैलेंस कर देगा, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी बहुत संतुलित कर देता है और सारे दोषों को दूर कर देगा। श्वास बाहर रुक गई, बाहर रोकेंगे और पेट खींचेंगे, बहुत देर ना रोकें, आराम से जितना रुक सकता है उतना रोकें, और इसके बाद आप यदि कर सकते हो तो थोड़ा सा अग्निसार करें, पेट को भीतर बाहर, नाभि ग्रंथि मेरुपृष्ठे सतवारंच कारयेत, नाभि ग्रंथि को मेरुपृष्ठ में 100 बार आगे पीछे करना। आप देख रहे होंगे थायराइड पर भी इसका असर हो रहा है और आपके पैनक्रियाज पर भी इसका असर हो रहा है, एड्रेनल पर भी हो रहा है, मतलब सभी ग्रंथियों पर, आपके पूरे ग्रंथि संस्थान पर, षट चक्रों पर इसका असर होता है, आपके पूरे शरीर का शोधन कर देता है, जठराग्नि अच्छी होगी, डिस्पेप्सिया नहीं होगा और बहुत सारे जो दोष हैं जैसे हमारे इंडाइजेशन से रिलेटेड वो सब दूर हो जाते हैं, मंदाग्नि तो बिल्कुल नहीं होगी। इसको करें और थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद फिर ये नौली क्रिया भी होने लगेगी। इसका समय सुबह का है, हर समय नहीं चलाना चाहिए, लेकिन आपको क्योंकि अब ये समय बहुत उपयुक्त नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा सा करके दिखा दिया। तो ये है नौली, ये होने लगती है, ये भी आपकी ऐसी होगी, देखिए इस तरह करिएगा सभी लोग, साइड से खींचिएगा, पूरा ऐसे खींचेंगे तो फिर दबाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा रेक्टस मसल्स को, और साइड से खींचेंगे तो पुश नहीं करना पड़ेगा, फिर उधर बाहर को नहीं आता है। देखिए एक तो हमने पूरा खींच के पुश किया, ये देखिए ये पुश किया हमने, खींचा पूरा फिर पुश किया एक, अब दूसरा जो हम करने जा रहे हैं वो साइड से खींचेंगे केवल, इस तरह से आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है नौली क्रिया सुबह के समय में सबसे उत्तम होती है, और
इसके बाद आप क्या करें, प्राणायाम का जो बेस है कपालभाति जिसको हम कहते हैं, जब इसको कर लेंगे दोनों नासारंध्र में वायु की गति सम हो जाएगी। फिर आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? अनुलोम मन लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। विलोम मन उल्टा, फिर राइट से ही लेना और वापस आकर लेफ्ट से छोड़ना। आपको देखने में दिक्कत होगी लेकिन करना आपको ऐसे ही है। हाथ नीचे रखिएगा, इस तरह से खींचिएगा लेफ्ट से, हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा हटा के। बस ये ध्यान देना है कि आपका लेफ्ट साइड में दो अंगुलियां रहे, राइट साइड में हम उठा रहे हैं। अब राइट से फिर लेंगे, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा। धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना। किसी भी प्रकार से इसमें आपको जर्किंग नहीं करनी है और आवाज़ नहीं करनी है। आवाज़ हो तो गले में हो, ऐसे देखिए, गले में आवाज़ होगी तो यहाँ संकुचन होगा, यहाँ गड्ढा बनेगा। छोड़ते समय फूलने लगता है, अब खींचते समय उज्जाई। बहुत अच्छा अभ्यास है थायराइड के लिए, इस तरह से सभी लोग करें, स्वर यंत्र ठीक रहेगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, लंग्स कैपेसिटी बहुत सुंदर रहेगी, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, प्राणायाम करने वाले का कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा रहता है, ध्यान उसका बहुत अच्छा लगता है। और प्राणायाम है नियुक्ति ना सर्व रोग क्षय भवेत, बता दिया कि प्राणायाम करने वाले के सब रोग व्याधियाँ शरीर से दूर हो जाती हैं। और प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी समाधि ध्यान सब अवस्था और मेमोरी बहुत सुंदर हो जाती है। प्राणायाम से हमें बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, प्रकाश हमारे अंदर उदित होता है। ये हो गया अनुलोम विलोम, उज्जाई समझ में आई गई है सबके। अब भस्त्रिका, भस्त्रिका में क्या करना है, लेना छोड़ना दोनों सक्रिय करना है। इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, बीस बार करने का विधान गिरण संहिता में किया गया है। फिर क्या करें, कुंभक लगाने के लिए राइट से खींचे मूलबंद खींचते हुए और रोक करके जालंधर बंद लगाएंगे। छोड़ते समय जालंधर बंद स्थिति लेफ्ट से छोड़ेंगे। प्रारंभ में नए अभ्यासी कुंभक न लगाएं, आप केवल लेना छोड़ना। जिनमें शक्ति ज़्यादा है वे थोड़ा प्रेशर के साथ जल्दी जल्दी कर सकते हैं, और जिनमें शक्ति का अभाव है वे और धीमी गति से भी कर सकते हैं, जो सामान्य है वो सामान्य गति से। सुबह के समय करिए ये सब अभ्यास, सुबह के समय उपयुक्त है। एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा गाय का घी नाक में डालिए या बादाम रोगन जो तेल मिलता है उसको आप खींचिए, वो बहुत फायदेमंद होता है। ये सब ठीक रहेगा, साइनस ठीक रहेगा, माइग्रेन वगैरह नहीं होगा। और उसके बाद आप योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, आपको प्राणायाम करने में भी बहुत लाभ मिलेगा। आप देखिए भस्त्रिका को दोनों तरह से कर सकते हैं, आप सबसे पहले भी कर सकते हैं योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले, और अंत में भी कर सकते हैं। भस्त्रिका ऐसा अभ्यास है जो कफ दोष को संतुलित कर देता है, कफ प्रकृति वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन पित्त बहुत ज़्यादा हो तो उस समय भस्त्रिका उपयोगी नहीं है। आप शुरू में भी कर सकते हैं, इसको अंत में भी कर सकते हैं, और इसको ध्यान से पहले भी कर सकते हैं। भस्त्रिका ऐसा अभ्यास है, कॉन्सेंट्रेशन जिसका नहीं बनता बहुत सुंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इस तरह से आप इन सब अभ्यासों को करें, और सबसे अंत में आप क्या करें, भ्रामरी करें इस तरह। अब देखिए षणमुखी मुद्रा नहीं लगा सकते, आप यहाँ रख के भी कर सकते हैं ऐसे।
मुख बंद रहेगा और ओम ध्वनि की भावना करनी है। अब कान बंद करके अच्छे से आँख की पुतलियों को हल्का और नासिका के अग्रभाग में और मुख पर रखेंगे, नाक बंद नहीं करनी, अग्रभाग में ऐसे खींचेंगे फिर दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और ये ज्ञान मुद्रा बनाकर हथेली आकाश की ओर कर लें। अब उद्गीत करेंगे, लंबी सांस लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद हथेलियों को हल्का घर्षण नेत्रों के ऊपर रखकर धीरे धीरे नेत्रों को खोलते हैं और दृष्टि को मस्तक पटल पर विराजमान उस महाशक्ति को प्रणाम करते हैं और उसके बाद अभ्यास को पूर्ण करते हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आप फेसबुक योगेश भट्ट वाले फेसबुक में आप जो है हमें सुन सकते हैं और आयुष दर्पण जो जनरल है उसमें आप शाम को 8 बजे से सुन सकते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था, शाम को प्रतिदिन मैंने अल्टरनेट रहता है, एक दिन मैडम का एक दिन हमारा, तो आप सुन सकते हैं। आज मैडम का रहेगा, कल हमारा रहेगा और सब योग से संबंधित चर्चा होती है। शुरू शुरू में जो चीज़ बड़ी उपकारी गुणकारी होती है वो बहुत अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बाद में उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। ये सात्विक सुख भी है और सात्विकता प्रदान करने वाली योग विद्या है, इसलिए आप लोग उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आपको जिनको अच्छा लगा हो उनको भी धन्यवाद और जिन्हें बहुत अच्छा न लगा उन्हें भी धन्यवाद। आप सबको बहुत प्रणाम। अब हम आप हमारे विशेष रूप से जो सोनू जी हैं, सोनू सिंह जी, जिन्होंने हमें अवसर दिया आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने का, अवसर दिया ज्ञान बढ़ाने का, क्योंकि बोलने से हमारी ज्ञान राशि बढ़ती है, आपको बहुत धन्यवाद और हम आप सबके आभारी हैं। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। समाप्त कर देना।